हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड के बारे में। यहाँ पर एक मिथ और मनगढ़ंत बात लोगों के दिमाग में बसी है, जिसको आज हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स दे रखी हैं, इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि किस रिपोर्ट में देखिए लड़की पैदा हुई है और किस रिपोर्ट में लड़का पैदा हुआ है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर ऐसा माना जाता है, अगर बच्चे की हार्ट रेट 140 से कम होती है और प्लेसेंटा पोस्टीरियर होता है तो यहाँ लड़का पैदा होने वाला होता है, और अगर हार्ट रेट 140 से ज़्यादा होती है और प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर होती है तो जो बच्चा पैदा होने वाला होता है वो गर्ल बेबी पैदा होने वाली होती है। तो यहाँ पर जान लेते हैं ये बात कितनी गलत है और कितनी सही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए। तो बच्चे की नॉर्मल हार्ट रेट 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा के बारे में। तो ये प्लेसेंटा क्या होता है? तो जो बच्चे को बच्चेदानी से जोड़े रहता है उसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ये देखिए प्लेसेंटा है। अगर ये प्लेसेंटा माँ के पेट की तरफ होता है तो इसको हम एंटीरियर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, और अगर ये प्लेसेंटा माँ के पेट के बैक साइड होता है मतलब कि कमर की तरफ होता है तो इसको हम पोस्टीरियर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर पहली रिपोर्ट है, इसमें फीटल हार्ट रेट 143 बीट पर मिनट है और प्लेसेंटा की पोजीशन एंटीरियर है। तो यहाँ पर अगर हार्ट रेट 140 से ज़्यादा होती है और एंटीरियर प्लेसेंटा होता है तो यहाँ पर लड़की पैदा होने वाली होती है, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लड़का पैदा हुआ है। नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं, इसमें हार्ट रेट यहाँ पर 144 बीट पर मिनट है जबकि प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा के अकॉर्डिंग जो बच्चा पैदा होने वाला होता है वो लड़का होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पर देखिए लड़की पैदा हुई है। नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं, यहाँ पर फीटल हार्ट रेट 145 बीट पर मिनट है और प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो एंटीरियर है। तो यहाँ पर देखिए लड़की पैदा होने वाली होती है और इस रिपोर्ट का जो रिजल्ट है वो लड़की ही है। नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं, यहाँ पर फीटल हार्ट रेट 151 बीट पर मिनट है और प्लेसेंटा यहाँ पर एंटीरियर है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेबी जो पैदा होने वाला है वो लड़की पैदा होने वाली होती है, लेकिन इस रिपोर्ट का जो रिजल्ट है वो लड़का है। तो ऐसे ही देखिए 100 से ज़्यादा रिपोर्ट्स को मैंने स्टडी किया है, तो इसमें देखिए बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई हार्ट रेट 140 से कम होगी और पोस्टीरियर प्लेसेंटा होगा तो बच्चा जो पैदा होने वाला है वो लड़का होगा, और हार्ट रेट 140 से ज़्यादा होगी और एंटीरियर प्लेसेंटा होगा तो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो गर्ल होगी। ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा और बिल्कुल गलत होगा। तो ऐसी सुनी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। थैंक यू।